हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम पिक्चर पिक्चर रिलेशनशिप का एक मेमोरी टेस्ट करेंगे और जिसमें कलर्ड फ़ोटो होंगे। और ये फ़ोटोज़ मतलब ये पूरा सेट टेस्ट सीरीज से लिया गया है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब सॉल्व करने में लगेगा कि फ़ोटोज़ कलर्ड होंगे और हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आपको फ़ोटो कलर्ड दिए जाएँ। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास नंबर 54 है और यहाँ पे हम पिक्चर पिक्चर रिलेशन देखेंगे, मतलब चित्र चित्र का जो संबंध होता है, दो फोटो दी होती हैं और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, एक फ़ोटो होगी और जो दूसरी फ़ोटो होगी उसकी चार फ़ोटो थोड़ी अलग अलग मतलब चेंज होंगी वहाँ पे। जैसे कि एक फ़ोटो ये है और यहाँ पे एक फ़ोटो है, इन दोनों का रिलेशन दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, ये वाली फ़ोटो तो यहीं पर होगी और ये वाली फ़ोटो चार तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में होगी और हमें पहचानना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ के सामने जो ये वाली फ़ोटो थी, ये वाली फ़ोटो इन चारों में से कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो डायग्राम देखने को मिलेगा उसके लिए टाइम है 3 मिनट का। टाइमर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और 3 मिनट टाइमर चलेगा। तो आपको फ़ोटो का रिलेशन याद करना है और उसके बाद में 20 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चंस 3 मिनट्स में करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार में हमारे डिस्प्ले पर चार फ़ोटोज़ अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे लगभग हम 40 to 45 सेकेंड्स चार फ़ोटो के लिए देंगे, तो आप लोग आंसर अपने नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले ये है कि 1 से लेके 20 तक नंबर्स लिख लें और उसके बाद में अपने ऑप्शंस लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि बाद में जाते हो आप लोग भूल। तो इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फ़ोटो रहा। तो यहाँ पे आपको रिलेशन याद करने हैं। टाइमर चलेगा थोड़ी देर में, मैं स्टॉप वॉच से जो ढक जा रहा है फ़ोटो उसको मैं साइड कर दूंगा। तो आपको स्टार्टिंग के फ़ोटो का रिलेशन पहले देखना, ऊपर के तीन का रिलेशन देखना आपको लगभग लगभग 2 मिनट और 1 मिनट नीचे का देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स टाइम स्टार्ट कर दें।
फ्रेंड्स टाइम ओवर हुआ, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे, अब हम लोग इनके आंसर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर एक बार मतलब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्या डायग्राम था हमारे पास और हमें कैसे रिलेशन को याद करना था, आप लोगों को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे क्या था कि एक चश्मा था और यहाँ पे मुखौटा दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना कि पीछे वाला है उसका कलर रेड है और आगे वाला येलो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मतलब कैंडल ऊपर जल रही है, केक टाइप का है, और ये सर पे लगाने वाला मुकुट है। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा ध्यान रखना, रिलेशन तो हमें रिलेशन ही याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि मतलब एक बार आप इमेज को जब देखें तो उसके बाद जब लास्ट के 20 से 30 सेकंड बचें तो आप पूरी इमेज को एक बार रिव्यू कर लें, यही सबसे अच्छा तरीका है मेमोरी टेस्ट का, पिक्चर पिक्चर रिलेशन में। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लोग हैं और यहाँ पे कैप कैसी है, इधर वाली क्रॉस में है और ये वाली ऐसी डिज़ाइन बनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं ये BIP और यहाँ पे मुखौटा बना हुआ है, यहाँ पे मुखौटे को देख लें, और यहाँ पे एक लड़की है फ्रेंड, और लड़की के पास में क्या है, ये आईफिल टावर है, ये कोई घंटाघर वाला है बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग इधर है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये चार्जिंग वाला दिया गया है और यहाँ पे ये प्लग दिया गया है, तो ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक स्पीकर और ये रिलेशन देख लो कैसे, इसमें ये जैसे दो निकले हैं, यहाँ पे एक है एंड में दो हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऊपर का देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आग जल रही है और यहाँ पे क्या है, एक ये बॉटल है और ये पॉपकॉर्न वाला लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स ये हाथ देखोगे तो एक हाथ ऐसे है एक ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेशन याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर एक बार आपने इमेज को थोड़ा ढंग से देख लिया फ्रेंड्स तो आप मतलब क्वेश्चन कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स रिलेशन देख लें कि इधर को भाला है और यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे धनुष देख लें इस साइड में जा रहा है, ये रावण जैसा खड़ा है। यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स 3+2 और ये पेंसिल है वो इस साइड में, और बंदे का फेस इस साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये दो रिंग हैं, ये दिल बना हुआ है, ये कुर्सी है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स टेबल पे ग्लास उल्टा सा रखा हुआ है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये मतलब फॉर्क है, ये नाइफ़ है, और यहाँ पे ये प्लेट रखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड है, और इस साइड में ये टिक का सिंबल है, यहाँ पे डिवाइड का है, और इस साइड में डॉलर का है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये 3, 4, 2, 5, ठीक है यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बंदा देखो इस साइड में देख रहा है और पीछे क्या है, एक घंटाघर जैसी बिल्डिंग, और इसके पीछे देखो शैडो सी दिख रही होगी, परछाई सी। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, दो डाइज हैं, पासा हैं, और यहाँ पे ऊन का मतलब बंडल रखा हुआ, दो इसमें सिलाई अंदर को पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, एक नाव है, और यहाँ पे एक मतलब कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए जो टेबल वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पे दो स्टूल्स हैं और टेबल ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इसके आंसर्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि चश्मे के आगे कौन सा था, हमने बताया था कि पीछे की तरफ जो फ्रेंड मतलब मुखौटा था वो रेड वाला था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद देखते हैं दूसरा ये दूसरे नंबर पर ही हमने देखा था, तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा मुखौटा था, यही चीज़ हमें ध्यान से देखनी है। हमारा मुखौटा था उसमें क्या था, बीच में इस तरीके से भी केक जैसा रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, थर्ड में यहाँ पे ये लोग बने हुए थे, तो हम लोगों ने मतलब देखा था कि कैप दो थी, तो पीछे वाली तो ऐसे ये वाली थी, कलर थोड़ा इसका चेंज कर दें, पीछे वाली तो ये थी, तो यहाँ पे ऐसी ये दो हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फ्रेंड्स होगी, इनमें से हमें ये देखनी होगी क्या ऊपर में ये ऐसा गोल था, ऐसा तो नहीं था फ्रेंड्स, तो कौन सी हमारी हो जाएगी सी। अब फोर्थ देखते हैं, ये BIP वाला, BIP के आगे क्या था फ्रेंड्स, BIP के आगे ये मुखौटा था और इसका कलर कैसा था, तो कलर हो जाएगी ये वाला था, बी वाला, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ में क्या है फ्रेंड्स, कि फिफ्थ में लड़की थी,
और लड़की के आगे ये बिल्डिंग बताई थी कि इस साइड में घंटा घर होगा, बीच में क्या होगा, आईफिल टावर होगा, और एक बिल्डिंग ऐसी होगी। कलर भी यहाँ पे ध्यान रखने फ्रेंड्स, देखो यही चीज़ ऐसी यहाँ पे है लेकिन कलर थोड़े अलग हैं, ठीक है? तो ज़्यादा मतलब ऐसी दिक्कत, हाँ यहाँ पे तीन चीज़ें इस टाइप की हैं ये। लेकिन बीच में वाइट था क्या? बिल्कुल नहीं था। बीच में ये ऐसा ब्लू था, ये भी नहीं था। बीच में तो रेड था, तो यही वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। फिफ्थ का हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट। सिक्स्थ का फ्रेंड्स देखें तो इस साइड में भाला था, इस साइड में ये था। तो ऐसे डायग्राम कितने हमारे पास? तीन हैं। लेकिन हमें देखना क्या होगा कि कलर कौन सा था। इतनी चीज़ कलर में होगा तो आपको कलर भी थोड़े ध्यान रखने होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कौन सा कलर था, आपको अगर कुछ कुछ ध्यान हो तो हमारा सिक्स्थ का हो जाएगा फ्रेंड्स ये बी वाला था, ठीक है? सेवन्थ में फ्रेंड्स रावण धनुष किधर जा रहा था? इस साइड में जा रहा था। तो इन दोनों में से कोई सा है, ठीक है? लेकिन इन दोनों में से कौन सा है फ्रेंड्स? इन दोनों में से क्या ये वाला है? ये वाला नहीं, सी वाला है। इसका फ्रेंड्स सी आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स एट्थ का देखते हैं। बंदे का फेस इधर था, पेंसिल इस साइड में थी। तो ऐसे कितने हैं? ऐसे तो दो डायग्राम हैं ये वाले, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसमें से कौन सा वाला आंसर कौन सा होगा? ये वाला था, क्योंकि बीच में ये वाला येलो था ना कि रेड था, ये नहीं था। तो एट्थ का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। चलिए देखते हैं नाइन्थ और टेंथ देखते हैं। नाइन्थ में देखो इधर को फॉर्क था, इधर को नाइफ था, बीच में दिल था मतलब प्लेट में। और तो कौन सा वाला फ्रेंड्स था? रेड था। ये वाला था, ये वाला था। इसमें क्या था फ्रेंड्स? इस इधर शेडो सा बना हुआ है, मतलब बॉर्डर सा बना हुआ, ऐसा नहीं था। इसमें फ्रेंड्स नाइन्थ का हमारा था फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं टेंथ। टेंथ में क्या था फ्रेंड्स कि इधर को कुर्सी पड़ी हुई थी और ये ग्लास उल्टा सा रखा हुआ था, ये मैंने बताया था। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स टफ नहीं है, ये इजी पढ़ेंगे अगर आप इमेज को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया था फ्रेंड्स कि एक इधर मतलब बॉटल है और इधर पॉपकॉर्न वाला है। तो 11 का फ्रेंड्स क्या पहला वाला ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है? इसका देखें फ्रेंड्स तो हाथ कैसे थे, आपको अगर ध्यान होगा कि एक हाथ ऊपर से था, एक नीचे से था। लेकिन ये वाला नीचे था क्या? इस साइड वाला नीचे था? नहीं, इस साइड वाला तो ऊपर था, ये नीचे था। तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं 13। 13 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 13 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, ठीक है? 14 का देखते हैं। 14 का फ्रेंड्स ये दो निकले हुए बताए थे लास्ट में, 14 का हो जाएगा बी। और 15 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 15 में फ्रेंड्स हमारा ये वाला और इस वाले में आप देख सकते हो कि एंड आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रेंड्स पिन ही नहीं है इसमें जो लगाने वाली है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो 15 का क्या हो जाएगा? ए। 16 देखो फ्रेंड्स कितना आसान है, इसमें हमें डबल सिलाई वाला था वो वाला हमें क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होंगे, थोड़े से मतलब हमें गहराई से देखना होगा फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था कि बताया था कि मतलब कॉफ़ी पीने के लिए बना हुआ है, जहाँ पे दो स्टूल पड़े थे इधर इधर और ये वाला था। तो ध्यान होगा आपको इसका सी वाला हो जाएगा। इसका देखते हैं 18 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। 18 में क्या था कि हमने बताया था कि घंटा घर है और पीछे शेड होती, तो शेड हो पीछे इसी वाले में, तो 18 का हो जाएगा डी। देखते हैं फ्रेंड 19। 19 में क्या था? 19 में तीन था और बीच में दो था, तो तीन था, चार था, दो था, पांच था। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए। देखते हैं 20। 20 में क्या था? सबसे इधर को डॉलर था, ठीक है, इधर को टिक था और बीच में परसेंटेज था। देखो ऐसे कितने हैं, फिर हमें कलर देखना होगा। तो डॉलर इस साइड में गलत, एक तो ये है, ये तो दो पर सारे परसेंटेज हैं, ये दो डॉलर हैं। तो इसका 20 का क्लियर हो गया बी वाला। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी की आंसर की नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां से प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके हिसाब से मैं मतलब नए प्रैक्टिस सेट बनाऊँ उसी टॉपिक पर, ठीक है फ्रेंड्स? तो वीडियो को कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें फ्रेंड्स।